तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आप कैसे ले सकते हैं, उसमें मैंने लाइव प्रोसेस करके दिखाया था। तो फाइनली जो है मेरा कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है। आप अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया। तो वीडियो जाके ज़रूर एक बार देखिएगा अगर आप लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कार्ड लेने से बहुत फ़ायदा है, वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए कार्ड जो है मेरा अप्रूव्ड हो चुका है, और आपको कहाँ देखना है अगर आप भी अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है, आपको नीचे देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपका कार्ड अप्रूव्ड हो गया है तो कार्ड ओवरव्यू में आप जाकर यहाँ पर अपना कार्ड आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कार्ड ओवरव्यू वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे, लोडिंग लेगा, इंतज़ार करेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर कार्ड यहाँ पर शो होने लगा। पहले यहाँ पर कुछ अप्लाई करने का ऑप्शन आता था या फिर प्री अप्रूव्ड करके ऐसा कुछ दिखाएगा, मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें कार्ड जो है शो होने लगा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कार्ड जो है अभी ब्लॉक किया हुआ मैंने, अभी आज ही यहाँ पे शो हो रहा है, पहले जो ये नहीं हो रहा था। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझे 5,100 रुपया क्रेडिट लिमिट मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन इसका डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इनेबल करना होगा, तो इनेबल का यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले मेरा फूटा हुआ है, तो यहाँ पे इनेबल नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कार्ड अनलॉक्ड हो चुका है, डोमेस्टिक यूजेज इनेबल हो चुका है, और POS जो परचेज़ करते हैं वो देखिए ऑनलाइन के लिए भी हम इनेबल कर देते हैं। ये इनेबल देखिए, ये वाला इनेबल करना है, अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको जाके इनेबल करना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारा, देख सकते हैं सक्सेसफुल इनेबल हो चुका है हमारा कार्ड। और फिर हम यहाँ पे कार्ड कंट्रोल में जाके फिर से लिमिट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो देखिए, यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन है कि अगर कार्ड की लिमिट 5,000 रुपया है तो हम चाहें तो जितना भी सेट करना चाहें उतना कर सकते हैं, मगर लिमिट की ज़रूरत नहीं है मुझे, जितना भी एक लिमिट है वो चलेगा। तो अब यहाँ पर हम बैक जाके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्ड ओवरव्यू में फिर से जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा कार्ड जो है पहले इनेबल करने का ऑप्शन आ रहा था, अभी जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि हमारा देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट वगैरह यहाँ पे शो होने लगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा था, अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो कर रहा है।